विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स, ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़ पीर यानी मंडे बतारीख 25 जुलाई का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सिद्दीपेट जिले के 2 मंडल में दिखाई दिए चीते। सिद्दीपेट जिला नानगानूर मंडल और अक्कानापेट मंडल में चीते देखने मिले, जिसके बाद दोनों मंडल के मुकामी आवाम के दरमियान खौफ की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है करीमनगर मिल्क डायरी के ड्राइवर यदा करीम मिल्क वैन लेते हुए इतवार की रात को गुजर रहे थे। रात 10 बजे के वक्त कोंडा राजूपल्ली बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर की जानिब, उसी दौरान उन्होंने देखा कि 2 चीते रोड के करीब दिखाई दिए, कोंडा राजूपल्ली और धर्माराम गांव के करीब। ड्राइवर यदागिरी फौरन चीते की वीडियो बनाए रोड के साइड रुककर। जब वो वीडियो पोस्ट की सोशल मीडिया ग्रुप्स में, वो वीडियो अचानक वायरल हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट पर है। ऑफिशियल्स की जानिब से सभी को हिदायत दी गई, देर रात तक बाहर रहने से मना किया गया चीते के खौफ के चलते। तेलंगाना रियासत में लगातार 2 दिन की तूफानी बारिश के बाद इतवार के दिन बारिश कम देखी गई, सिर्फ 0.4 mm की बारिश देखी गई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी किए जुमेरात तक। बारिश का अंदेशा है हैदराबाद के लिए और कुछ जिलों के लिए। बारिश का अंदेशा नॉर्थ और ईस्ट इलाकों के अलावा सेंट्रल इलाके में भी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के सबब काफ़ी नुकसान देखा गया। बारिश का पानी कृष्णा नदी की जानिब बह गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किए गैर कानूनी तरीके से नौजवान लड़कियों की और खवातीन की फोटोज़ को गलत तरीके से एडिट करने पर और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस शख्स की पहचान के हर्षित नाम से की गई, जो पटनचेरू का रहने वाला है। हर्षित ने इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों के और खवातीन के फोटोज़ डाउनलोड करके उसे एडिट करके गैर कानूनी तरीके से अपलोड करता था। हर्षित ने कुछ लड़कियों को निशाना बनाते हुए उनके फोटोज गलत तरीके से एडिट करते हुए उन्हें डरा धमका कर परेशान किया करता था, जिसमें से एक मुतासरा लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किए, जिसके तहत पुलिस तहकीकात करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिए। तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में पीर के दिन 5 दिन का वर्कशॉप का आगाज किया गया। डार्क वेब इन्वेस्टिगेटर्स के तौर पर सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस ने इस वर्कशॉप का इफ्तिदा किए, जिसमें मुल्क भर से पुलिस ऑफिसर्स वर्कशॉप के जरिए डार्क वेब के ताल्लुक से इल्म हासिल करेंगे। ट्रेनीज से बात करते हुए सीवी आनंद आईपीएस ने कहा, तेलंगाना रियासती हुकूमत और तेलंगाना पुलिस ने मिलकर डिजिटल दुनिया में तरक्की हासिल कर रहे हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस मौके पर सीवी आनंद आईपीएस ने कुछ डिजिटल जुराम बताए, जैसे साइबर फ्रॉड्स, लोन ऐप फ्रॉड, जिससे कई लोग शिकार होते हुए खुदकुशी कर लेते हैं। पिछले 10 दिन में 3 अफराद खुदकुशी किए साइबर फ्रॉड का शिकार होकर। इन केसेस में मुजरिमों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए डिजिटल तालीम रखना बहुत अहम है।